मेरा फोकस बहुत ही क्लियर था, लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, घर वालों ने स्पेशली, एंड आई थिंक मैं बहुत ही फोकस थी और बहुत ही डिटरमिन थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, एंड आई थिंक डिटरमिनेशन इज योर थिंग। सर आमिर सर, आपका झगड़ा हम आए दिन देखते थे बिग बॉस में, तो आप क्या कहना चाहोगे कि बाहर लोगों का ये कहना है कि सना ऑब्वियसली आप जूनियर और सीनियर से इस तरह से आपका बात करना ये सही नहीं था, ऐसा लोगों का मन? सी, ये मैं भी बोलती हूँ कि अगर कोई बड़ा हो तो छोटा उसे कभी बदतमीजी से बात ना करे, बट अगर बड़े को ही तमीज़ नहीं हो बात करने की, लहजा नहीं हो उनका सही, तो आप आई एम सॉरी बट अगर कोई आपसे एकदम स्नूटी वे में बात करे ना तो इट्स नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई थिंक रणवीर जी से मैंने हमेशा रणवीर जी करके बोला है, मैंने अपना आपा अगर खोया है क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की है। अगर आप मुझे और कृतिका को कंपेयर करो तो उन्होंने हमेशा कृतिका को एक सॉफ्टर वे में बोला है, हमेशा व्हेन आई हैव एवर स्पोकन टू हिम उन्होंने हमेशा मुझे से क्या, सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक। अब रिश्ते की तो मतलब आई डोंट नो, फॉर मी इट्स लाइक ECG में एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आई थिंक मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ ऐसे स्ट्रेट। सना देवा सना के नाम से आप